पतंजलि की दिव्य फार्मेसी कंपनी को बड़ा झटका लगा है। कंपनी के 15 प्रोडक्ट्स पर राज्य की लाइसेंस अथॉरिटी ने बैन लगा दिया है। इसमें दिव्य फार्मेसी की खांसी की दवा से लेकर कई तरह की टैबलेट शामिल है। दिव्य फार्मेसी की दवाइयों पर भ्रामक विज्ञापन मामले में बैन लगाया गया है। 29 अप्रैल को राज्य के लाइसेंस अथॉरिटी ने बाबा रामदेव की फर्म को खांसी, ब्लड प्रेशर, शुगर, लीवर, गोइटर और आई ड्रॉप के लिए इस्तेमाल किए जाने वाली 15 दवाओं के उत्पादन को रोकने का निर्देश दिया है। दिल्ली सरकार और एमसीडी को हाल ही में हाई कोर्ट ने फटकार लगाई थी। 2 लाख से ज्यादा छात्रों को किताबें उपलब्ध ना करा पाने को लेकर कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की थी। इस मामले में अदालत ने फिर से सुनवाई की है। दरअसल दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज का एक बयान आया जिसमें कहा गया कि एमसीडी की वित्तीय शक्ति में किसी भी वृद्धि के लिए मुख्यमंत्री की मंजूरी की आवश्यकता होगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति के कारण दिल्ली सरकार ठप पड़ी हुई है। इसी पर कोर्ट ने कहा कि अगर आपके मुख्यमंत्री उपस्थित नहीं है तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप बच्चों के अधिकारों को चल देंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का एक डीप फेक वीडियो साझा करने के आरोप में महाराष्ट्र कांग्रेस युवा के सोशल मीडिया हैंडल के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। इस मामले में मुंबई बीजेपी नेता प्रतीक करपे ने मुंबई पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। दरअसल सोशल मीडिया पर अमित शाह का भाषण देने वाला एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हुआ जो फर्जी था। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का मतलब है कि बिहार में जातिवाद खत्म कर योग्यता के आधार पर राजनीति की शुरुआत करना है। रानीगंज के लालजी हाई स्कूल परिसर में चुनावी सभा में नीतीश ने परिवारवाद के मुद्दे पर कांग्रेस और लालू यादव पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने तेजस्वी पर भी हमला बोला। केंद्रीय कर्मचारियों के दिव्यांग बच्चों के लिए शिक्षा भत्ता सामान्य से दोगुना होगा। मौजूदा समय में सामान्य दर 5,625 रुपए प्रति माह फिक्स्ड है। सभी केंद्रीय मंत्रालयों को जारी किए गए आदेश में बताया गया है कि दिव्यांग महिलाओं के चाइल्ड केयर के लिए विशेष भत्ता है। यह प्रति माह 3,750 रुपए प्रति माह है। यह सभी बढ़ोतरी 1 जनवरी 2024 से लागू है। इसी तरह देश दुनिया की तमाम जानकारी के लिए आप बने रहिए फ्रीडम न्यूज के साथ।